गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका न्यू मैथ्स टीचर हूं, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था। और अगर आप लोगों को पता है दोस्तों, तो हमारा बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का चैप्टर चल रहा था, जिसमें पार्ट वन में वीडियो का आपके लिए बना चुका हूं, और पार्ट टू यहां पर मैंने आपके लिए आज बनाना है। तो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर थर्ड है हमारा ये। और आई होप क्लास टेंथ की एनसीईआरटी बुक आप लोगों के पास होगी, तो ये एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक्स जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो खोल कर अपने सामने रख लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन जो मैं बोलूँ आपको ऑटोमेटिकली समझ में आए। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमें करने थे, जो पिछले एक्सरसाइज में या पिछली वीडियो में रह गए थे, वो हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। तो बेसिकली मैंने आपको ज़्यादातर कॉन्सेप्ट तो बता दिए थे, कुछ कॉन्सेप्ट रह गए थे वो हम थोड़ा सा आज क्लियर करेंगे। और इसके अलावा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के अलावा हमारे पास कुछ क्वेश्चन भी आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमको कुछ बेसिक चीज़ें करनी थी। मैंने आपको बताया था जनरल फॉर्म क्या होती है, अगर आप पिछली वीडियोस को देख कर आए हुए हैं तो आपको पता होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आज इस वीडियो को डालने के बाद ग्रुप में उस वीडियो का भी लिंक यूट्यूब का डाल दूंगा, और नहीं तो आप यूट्यूब पर जाकर खुद भी उस वीडियो को, हमारे जो चैनल है बेसिकली स्टैनफोर्ड स्कूल का, उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। अच्छा, एक बात और सुनेंगे आप ध्यान से, कि वीडियोस जब आप देखते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ उसको लाइक जरूर कर दिया कीजिए और वीडियोस को एंड तक देखा कीजिए, ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए। अब इसके की पॉइंट्स में मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या क्या समझा दिया था, उसका मैं आपको क्विक रिवीजन दे रहा हूं एक, उस रिवीजन को आप अच्छी तरीके से सुन लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए जिन बच्चों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी है। और एक क्विक रिवीजन है, लेकिन अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। तो वीडियोस में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वर्ड जो है, जो चैप्टर का नाम है बेसिकली, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या है, ठीक है। तो पहले मैंने उसका मतलब आपको समझाया था, फिर मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स में ये बताया था कि जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। जस्ट मैं ये बता रहा हूं कि मैंने बताया क्या क्या था, अगर आपको जानना है कि क्या था तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बाकी मैं लिंक आज व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, जब आप इस वीडियो को देखेंगे, जब आज ये अपलोड होगी तो आपको दोपहर तक, करीब 2 या 3 बजे तक लिंक ऑब्वियसली मिल जाएगा। उससे पहले भी कोशिश करूंगा, बट फिर भी आप चेक करते रहिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, मैंने आपको ये बताया था कि जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली, दो तरीके से करते हैं। तो एल्जेब्रिकली मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके होते हैं एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के। एक एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, दूसरा आपका एलिमिनेशन मेथड होता है, और तीसरा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, जो कि सिलेबस से हटा दिया CBSE ने। तो जिन बच्चों को नहीं पता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 30% सिलेबस CBSE ने ख़त्म कर दिया है, जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ हम नहीं करेंगे, नहीं सीखेंगे, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। बाकी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन हम सीखेंगे इस चैप्टर में। और इसके साथ साथ एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे उस शीट को, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, उसकी जनरल फॉर्म जो होती है या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसको किस तरीके से लिखते हैं या किस तरीके से करते हैं, उसके लिए भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। तो यहाँ तक ये सब कुछ मैं बता चुका था, और आज हम थोड़ा सा समझेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर है, इसमें जो हमारा बेसिकली A1, A2, B1, B2, C1, C2, ये जो सारी चीज़ें आती हैं, इसके आधार पर किस तरीके से इक्वेशंस को हम जान सकते हैं कि लाइंस पैरेलल हैं, क्योंकि इक्वेशंस जो है वो बनती है, वो लाइंस के लिए ही बनती हैं या लाइंस की इक्वेशंस होती हैं। तो उसमें A1, B1, C1 ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, लाइनें किस कंडीशन में पैरेलल होती हैं, किस कंडीशन में कोइंसिडेंट होती हैं, और कब ये लाइनें बेसिकली आप कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन यानी कि इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा स्क्रीन पे चलते हैं और चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हैं, तो और उसके बाद हम फिर क्वेश्चन करेंगे। पहले एक्सरसाइज में आज आपको आई होप खत्म करा दूंगा, और दूसरी तक भी लेके चलूंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आपको समझना पड़ेगा, पिछली वीडियो में डिटेल में देख लीजिएगा, बट यहाँ फिलहाल मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसके बिना हमारा क्वेश्चन हो नहीं सकता, तो इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जब लिखते हैं तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, AX प्लस में BY प्लस में C इक्वल्स टू जीरो, जिसमें मैंने आपको कल बताया था कि A और B ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट मतलब नंबर्स होते हैं। तो इसलिए अगर हम एक एग्जांपल लें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 7X प्लस 2Y प्लस में 8 इज इक्वल टू जीरो, ऐसा लिख सकते हैं ना, जिसमें 7 क्या है, A की बात कर रहा है, और 2 जो है वो B के बराबर है, ठीक है। मैं ये सारा इधर कर दे रहा हूँ एरो बना के, और C की वैल्यू कितनी 8 है, और तीनों ही चीज़ें आप देख रहे हैं नंबर्स हैं, एक में 7 है, A बराबर 7 है, B बराबर आपका कितना है 2 है, और C बराबर कितना है आपका 8 है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हाँ, एक चीज़ और आपको नोट करनी चाहिए कि ये चीज़ें प्लस और माइनस में भी हो सकती हैं, तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर अगर माइनस 2 होता तो फिर हम यहाँ माइनस लिखते हैं, और यहाँ पर माइनस 8 होता तो हम यहाँ माइनस लिखते हैं, यानी इट मीन्स कि माइनस के साइन को साथ में लगा कर चलना है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनको सॉल्व करने के लिए कितने मैथड होते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया था, 3 मैथड होते हैं, ठीक है, जिसमें से सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हो गया आपका,
ठीक है। एलिमिनेशन मैंने बताई दिया है ही हमारा, ये भी हम करेंगे, सीखेंगे अगले वीडियोस में, ठीक है। इसके बाद आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है और ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आउट ऑफ सिलेबस है। अगर आप बोलते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, मेजोरिटी बोलती है, तो मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे इसको भी करा दूंगा, नॉट एन इशू। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बता रहा हूँ कि आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन होता है, सॉरी मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं लिखा, स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, इतना सब कुछ होने के बाद कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि देखो लाइनें कभी बोलेगा कि बताओ कब इंटरसेक्ट हो रही है, यानी यहाँ पर टच हो रही हैं, कभी लाइनें पैरेलल होती हैं दूसरे केस में, और कभी कभी जो इक्वेशंस की लाइन होती हैं वो कोइंसिडेंट होती है, यानी एक के ऊपर एक लाइन रिपीट होती है, ठीक है। तो ये तीनों ही केस है हमारा, पहला केस ये है, दूसरा केस ये जब लाइनें पैरेलल होती हैं, और तीसरा केस है हमारा जब लाइनें एक के ऊपर एक होती हैं। तो तीनों ही केस हम समझेंगे ज़रा ध्यान से अच्छी तरीके से, और देन आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे। तो इस केस में जब लाइनें इंटरसेक्ट होती हैं तो इसको बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक मतलब जिसका सिंगल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, एक ही सॉल्यूशन निकलेगा इसका। और क्यों सिंगल सॉल्यूशन निकलेगा? बिकॉज लाइनें यहाँ पर एक जगह पर ही टच हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि दो लाइनें इंटरसेक्ट होंगी। और ये लाइनें होती क्या है, अगर आप लोगों ने चैप्टर पहले कर रखा है, आई होप कि राहुल सर ने आपको बताया होगा, बट अगर आप लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है, नहीं समझा, यहाँ तक नहीं पहुँचे थे या नहीं कराया था उन्होंने, तो मैं उसके लिए आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो इक्वेशंस आप बनाते हो इस फॉर्म में, वो एक्चुअली लाइंस होती हैं, ठीक है। और लाइंस जब आपस में टकराती हैं, दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो जहाँ टकराती हैं, जिस जगह वो इंटरसेक्ट करती हैं दूसरे को, वहाँ पे उस पॉइंट को सॉल्यूशन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन पॉइंट होने के बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस तरह के सॉल्यूशन को जिसमें बेसिकली एक ही जगह लाइनें इंटरसेक्ट करती है, उसको यूनिक सॉल्यूशन या सिंगल सॉल्यूशन बोलते हैं। सिंगल मतलब उसमें लाइन का मतलब इंटरसेक्ट करने पर यूनिक सॉल्यूशन निकलता है उसका, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। फिर अगर आपकी लाइनें पैरेलल हैं इस तरीके से हैं, यानी कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं कर रही, बराबर है, पैरेलल जा रही हैं, तो उसमें नो सॉल्यूशन होता है। ऐसा रीज़न क्यों ऐसा होता है आप लोग सोचिए ज़रा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइनें जब कहीं मिली नहीं रही आपस में, कटी नहीं रही हैं, तो उनमें ना कोई कॉमन पॉइंट तो होगा नहीं। जब उनमें कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा, तो उसका सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा? सॉल्यूशन तभी मिलता है जब लाइनें आपस में टकराती हैं, उनका कोई कॉमन पॉइंट निकलता है, ठीक है। तीसरा और अंतम मैं आपको बता रहा हूँ, यूनिक हो गया, नो सॉल्यूशन हो गया, और लास्ट हो गया आपका कोइंसिडेंट लाइनें। मैंने आपको बताई था कोइंसिडेंट लाइनों में क्या होता है, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन निकलते हैं। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे। अब ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे भी लॉजिक है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये भी आप समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा इसलिए होता है, देखिए ध्यान से सुनिए, जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जाएगी इस तरीके से, तो जाहिर सी बात है पहली वाली लाइन का हर पॉइंट, जैसे 1 2 3, ये दूसरी लाइन का भी उसी पॉइंट के बराबर होगा 1 2 3 के। तो जब एक ही लाइन के सारे पॉइंट दूसरी लाइन के भी पॉइंट हैं, तो वो हर जगह पे मिल रहे हैं, और जब हर जगह पे मिल रहे हैं तो उनके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमने बोला था कि इसमें मेन मुद्दा क्या है, मेन बात क्या समझने वाली, कि लाइनें आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रही हों। तो यहाँ पे तो बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं हो रही, इसलिए नो सॉल्यूशन है, और यहाँ पे हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, कोइंसिडेंट है, तो इसलिए ये हर बार जब टच हो रही है, हर जगह टच हो रही है, तो इसलिए इनमें इनफाइनाइट बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जो कॉमन होंगे, और इसीलिए इसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन निकलते हैं। और अब चलते हैं क्वेश्चन की तरह। मैंने आपको इस चैप्टर के सारे बेसिक क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। एक छोटी सी चीज़ और रह गई, वो भी थोड़ा सा कर लेते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा पहले तो इसको हमें रब करना पड़ेगा, वीडियो को पॉज करके आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अगर हमारी ऑफलाइन क्लास होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, ऑनलाइन में तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से रिपीट करके देख सकते हैं। डिजिटल होने का यही बहुत बड़ा फायदा है, और कभी भी देख सकते हैं जब आपका मन करे। ऑफलाइन में आपको एक पर्टिकुलर टाइम में अवेलेबल होना पड़ता है, कि 10 से 11 की क्लास है तो 10 से 11 में आपको अवेलेबल होना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऑफलाइन में आपको अवेलेबल होने के अलावा ऑनलाइन में क्या बेनिफिट मिलता है, कभी भी देखिए, कोई सुबह देख रहा है, कोई शाम देख रहा है, जब मन कर रहा है आप तब देख सकते हैं। इवन रात को आपको 11 बजे मन कर रहा है कि मैं पढ़ाई करूँ, तो उस टाइम भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और चलिए थोड़ा सा मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि इन केसेस में, ये जो केसेस है, इसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, ठीक है, क्या क्या होगा, किस तरीके से हम करेंगे। एक मेन चीज़ और नोट करने वाली है, देखिए, यूनिक यानी सिंगल सॉल्यूशन जब होगा, ध्यान देंगे इस बात को, यूनिक यानी सिंगल सॉल्यूशन होगा, तो उस केस में A1 अपॉन में A2 हमेशा बराबर होता है B1 अपॉन में B2 के, ठीक है, सॉरी A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है। यानी A1 और A2 में जब हम बटे में रखेंगे, फ्रैक्शन में रखेंगे, और B1 और B2 को जब फ्रैक्शन में रखेंगे, तो उनमें कोई भी बराबरी नहीं होगी। मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल भी दूंगा यहाँ पर, लेकिन फिलहाल आप कंडीशन देख लीजिए, फिर हम एग्जांपल के द्वारा इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे, ठीक है, एक ही क्वेश्चन का एग्जांपल लेके समझ लेंगे। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें, जो ये क्वेश्चन है नो सॉल्यूशन वाला, जब लाइनें पैरेलल होती हैं, तो उस केस में A1 अपॉन में A2 होता है इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 होता है,
बट नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, सी वन अपॉन सी टू होता है, यानी ए वन और ए टू आपस में बट्टे में रखने पर बी वन बी टू के बराबर होते हैं, बट ये दोनों चीज़ आपस में बराबर होती है, बट सी वन सी टू इसके बराबर नहीं होता। ये भी हम समझेंगे एग्जांपल के द्वारा, बट आप अभी देखते रहो। मैं सिर्फ आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि वीडियोस को आप अच्छी तरीके से एंड तक देखो, आई होप कि आपको कोई डाउट ही नहीं आएगा, ठीक है, आई होप आपको कोई डाउट ही नहीं आएगा। और तीसरा और अंतिम है, ए वन अपॉन में ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन में बी टू बट नॉट इक्वल टू, सॉरी तीसरे में ये भी इक्वल टू होता है सी वन अपॉन सी टू, ठीक है। तो आपको मैं तीनों चीज़ें करके दिखाता हूँ एक एग्जांपल लेके। मान लीजिए हमारे पास एक जनरली एक इक्वेशन है, जनरल फॉर्म है इक्वेशन की, और जनरली हमारे पास एक इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। एक तो हो ही नहीं सकती क्योंकि दो इक्वेशन होंगी तभी हम ए वन ए टू लेंगे, तो कंपेयर करने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए। तो एक मैं ले लेता हूँ सेवन एक्स प्लस में टू वाई प्लस में थ्री इक्वल्स टू जीरो, एक इक्वेशन हम ले लेते हैं इसी में फोर्टीन एक्स प्लस में फोर वाई प्लस में यहाँ पर आप देख लीजिए सिक्स ले लीजिए इज इक्वल टू जीरो। तो जाहिर सी बात है इसमें ए वन क्या हो गया, ये सबसे आगे वाला ए टू इसके नीचे वाला दूसरी इक्वेशन का ए वन, फिर इसमें बी वन ये हो गया जो वाई के साथ है, बी टू ये हो गया जो दूसरी इक्वेशन में वाई के साथ है, सी वन ये हो गया और सी टू ये हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें, और नहीं आए तो प्लीज़ आप ग्रुप में जो मैथ्स का हमारा ग्रुप है टेंथ क्लास का उसमें आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको चीज़ें। अगर नहीं समझ आ रही आप क्वेश्चंस के फोटोज खींच के भी मुझे भेज सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। तो यहाँ पर दे रखा है सेवन अपॉन में फोर्टीन, टू अपॉन में फोर, थ्री अपॉन में सिक्स। तो करना क्या है, मैं बेसिकली यही करना है, देखो ध्यान से एक चीज़ समझने की कोशिश करना। अगर मैं यहाँ पे ए वन अपॉन में ए टू, जैसे पहला केस है, ये कौन सा केस आ रहा है इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला केस है, ये वाला तीसरा। क्यों क्यों ऐसा, ए वन हमारा सेवन है, ठीक है, ए टू हमारा 14 है रखा हमने, दूसरा क्या है बी वन टू है ये वाला, और बी टू वाई के साथ वाला 4 है, और सी वन कितना है 3 है, और ये 6 है। अब आप बोलेंगे सर ये इक्वल तो नहीं है, एक्चुअली है, आपको देखना पड़ेगा। 7 1 7 7 2 14, तो 1/2 यहाँ भी आया, 2 1 2 2 2 4 यहाँ पे भी 1/2 आया, और तीसरा 3 1 3 3 2 6। तो हर केस में देखो ना आप 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2 आया, और तीनों केस में जब इक्वल होता है तो वो कौन सा केस होता है, ये केस होता है वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का। इट मीन्स कि ये लाइनें जो इस इक्वेशन की लाइनें होंगी, ये दोनों इक्वेशन कैसी होंगी, ये वाली इक्वेशन किस तरह की होगी, ये इक्वेशन में लाइनें एक दूसरे के ऊपर कॉन्सिडेंट होंगी, पैरेलल होंगी। यहीं पे अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें कि 7x अपॉन में, मैं यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ, 7 अपॉन में 14 हो, यानी यहाँ 7 और 14 तो हो, यहाँ पे 2 और कितना हो 4 हो, लेकिन यहाँ पे 3 के साथ 6 ना हो, यहाँ पे हमने 7 दे दिया, तो अब ये कौन सा केस बन जाएगा, ये वाला। क्यों, 7 अपॉन में 14 रख लो, यहाँ पे 2 अपॉन में 4 रख लो, ये दोनों आपस में बराबर हैं, देखो 1/2 आ जाएगा काट के, ठीक है 1/2 आ जाएगा, लेकिन तीसरे केस में नहीं आ रहा ना 1/2 काटने पे, यहाँ पे 3/7 कहाँ इक्वल है। और जब ए वन अपॉन में ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू होता है बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू होता है, तो ये कौन सा केस बन गया, ये वाला पैरेलल लाइन है जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। समझ पा रहे हो, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहा हूँ, आप भी अपनी तरफ से अपना बेस्ट दें। अगर आपको कोई डाउट्स आता है तो डाउट सेक्शन में जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं उसमें भी पूछें, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप तो हमारा है ही, उसमें भी आप क्वेश्चंस को डाल सकते हैं, क्वेरीज पूछ सकते हैं बिफोर 4 PM, 4 बजे से पहले पहले आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इस वाले केस की। तो इसमें सिंगल पहली बार में ही जो ए वन अपॉन में ए टू इज़ नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू होता है, तो ये इसलिए है, किस लिए, इसके लिए हमें थोड़ा सा इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा, यानी हमें आगे से मतलब नहीं है, यानी सी वन सी टू से तो इसमें मतलब ही नहीं होता, यहाँ पे ए वन ए टू ही इक्वल नहीं होता। तो यहाँ पे मैं किसी एक को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 3 है, तो यहाँ पे इस केस में ए वन तो 7 था, ए टू कितना था 14 था, इज इक्वल टू 3/4, यानी बी वन अपॉन में बी टू, ए वन अपॉन में ए टू, बी वन बट्टे में बी टू रखा हमने, बट क्या ये आपस में इक्वल है, क्योंकि इसको काट के तो 1/2 आ जाएगा, लेकिन ये तो कटेगा ही नहीं 3/4, तो इसलिए यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, और नॉट इक्वल होते ही ये वाला केस बन जाएगा, और ये वाला केस मतलब लाइनें आपस में एक दूसरे को काट रही है और कोई कॉमन पॉइंट उनमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा तो लाइनें क्या होंगी, यूनिक सॉल्यूशन देंगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करा दिया है, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ फिलहाल आप यही समझें, और एक आध क्वेश्चन अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन है, मैं एक दो क्वेश्चन आपको करा देता हूँ ताकि आपके पास कुछ असाइनमेंट वर्क भी हो, फिर मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे दूंगा, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज खोलिए अपने बुक की 3.2, ठीक है, 3.2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, ठीक है, और फोर्थ आप कर सकते हैं,
ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है, मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये जो मैंने अभी समझाया है A1 A2 वाला कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट पे आपका असाइनमेंट है। आप असाइनमेंट जरूर लें और मुझे प्लीज़ कल, आज वीडियो डालने के बाद मेरे को कल शाम को 5 बजे तक करके जरूर दे दें, हो सके तो आज ही शाम को 5 बजे तक दे दें, नहीं तो लास्ट कल शाम को 5 बजे तक तो इट मस्ट आपको देना ही है, ठीक है। और प्लीज़ इसको एक रिक्वेस्ट समझें, ये ना समझें कि मैं आप पे कोई धौंस जमा रहा हूँ, जस्ट आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन एजुकेशन चल रहा नहीं है आजकल, ऑनलाइन ही चल रहा है, तो हम आपको जस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और मारने में तो मैं वैसे भी बिलीव नहीं करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जस्ट एक परिवार की तरह हम जुड़ के चलें और चीज़ों को एक साथ करें। देखिए, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो आपका असाइनमेंट वर्क है इसको नोट डाउन करें आप, ठीक है। असाइनमेंट आपका क्या है, यानी जो आपको घर से करना है, और फेयर कॉपी या रफ कॉपी किसी में भी कर सकते हैं, बट आई होप कि आप फेयर कॉपी में करेंगे। तो असाइनमेंट आपका है एक्सरसाइज 3.2 का, ठीक है, 3.2 आपको करनी है। 3.2 में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो सेकंड क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है, सेकंड के सारे पार्ट करने हैं, ठीक है, जिसमें बोला है कि बताओ कि लाइन्स का यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, यानी लाइन्स इंटरसेक्टिंग है, बेसिकली ये बताने के लिए बोला है कि इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, या लाइन्स क्या है, कोइंसिडेंट है, या क्या है, और मैं लाइन्स पैरेलल हैं, ठीक है। और मैं हर चीज़ लिख के नहीं बताऊंगा, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, आप बस समझ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है, ठीक है। आपको एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है, ठीक है, यू हैव टू डू, ठीक है, यू हैव टू डू, ये सारे असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया। अब आप बोलेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ में सर हम कैसे करेंगे, उसमें तो हमने पूछा है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। देखो, कंसिस्टेंट जहाँ सॉल्यूशन निकल रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन निकल रहा है जहाँ पे वो कंसिस्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, और जहाँ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है, वो क्या है, ठीक है, ये कंसिस्टेंट है, और ये जहाँ नॉट पॉसिबल है वो सॉल्यूशन पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, यानी सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल है तो वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। और मैंने आपको बताया सॉल्यूशन कहाँ कहाँ निकलता है, सॉल्यूशन दो ही केस में निकलेगा, ठीक है, एक आपका जब लाइनें कोइंसिडेंट होती हैं एक के ऊपर एक, और एक जब लाइनें आपस में इंटरसेक्टिंग होती हैं, तो यानी एक ये वाला केस A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये वाला केस जिसमें लाइनें यूनिक होती हैं, और एक जब A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2, यानी लाइनें जब कोइंसिडेंट होती हैं एक के ऊपर एक, तब पैरेलल में लाइनें टच नहीं करती, कोई कॉमन पॉइंट होता नहीं तो इंटरसेक्ट नहीं करती, तो यहाँ सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। यानी इसका केस कौन सा होता है, इसका केस भी आपको पता ही होगा, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो इस केस में क्या होगा, लाइनें जो होगी इनकंसिस्टेंट होगी। तो चौथा क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, इसके जितने भी पार्ट हैं सारे पार्ट करने हैं, आई होप 10-15 क्वेश्चन तो आपके लिए हो ही गए असाइनमेंट में, इतना कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास से कोशिश करूँगा 3.1 से आपको स्टार्टिंग से लेकर चलूँ, जो भी आपके डाउट सेक्शन है वो भी पूरे करूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।